तो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आज के तुम्हारे भी तुम लोग को बताने वाले कि कैसे तुम लोग एक प्रोफेशनल पब्लिक एसएमपी बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलो सबसे पहले हम लोग अपने नॉर्मल प्लगिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को प्रोफेशनल वाले प्लगिंग्स बताऊंगा। ओके तो गाइस हमारी लिस्ट का पहला प्लगिंग आता है, उसका नाम है गीजर एमसी। इस प्लगिंग का यूज करके तुम लोग जावा प्लस पी कर सकते हो अपने सर्वर को, क्योंकि तुम लोग को पता होगा पब्लिक एसएमपी में दोनों टाइप के बंदे आते हैं खेलने के लिए। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्लगिंग की ओर। तो हमारी लिस्ट का जो सेकंड प्लगिंग आता है उसका नाम है विया वर्जन। इस प्लगिंग का यूज करके तुम लोग किसी भी वर्जन से ज्वाइन कर सकते हो अपने सर्वर के अंदर। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्लगिंग की ओर। तो हमारी लिस्ट का जो थर्ड प्लगिंग आता है उसका नाम है ग्रीफ प्रिवेंशन। इस प्लगिंग का यूज करके तुम लोग लैंड क्लेमिंग कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को पता होगा कई सारे बंदे लोग क्या करते हैं ना, अपने घर से सामान वगैरह चुरा लेते हैं या फिर हमारे घर को ही फोड़ देते हैं। तो अगर तुम लोग लैंड क्लेम करके उसके ऊपर अपना घर बनाओगे तो ना ही तुम्हारे कोई घर के अंदर घुस पाएगा, ना ही तुम्हारा घर को तोड़ पाएगा। तो चलो यहाँ पर अपने नॉर्मल प्लगिंग्स एंड होते हैं, अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ प्रोफेशनल वाले प्लगिंग्स। हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट प्रो प्लगिंग आता है उसका नाम है शॉपकीपर। इस प्लगिंग का यूज करके तुम लोग शॉपकीपर ऐड कर सकते हो अपने सर्वर के अंदर। और अगर तुम लोग को ये प्लगिंग का यूज करने नहीं आता तो मेरे चैनल पे मैंने ट्यूटोरियल दे रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्लगिंग की ओर। हमारे लिस्ट का जो सेकंड प्रो प्लगिंग आता है उसका नाम है ओपन लॉगिन। इस प्लगिंग का यूज करके तुम लोग अपने सर्वर के अंदर लॉगिन सिस्टम ऐड कर सकते हो। अगर कोई बंदा पहली बार तुम्हारे सर्वर में ज्वाइन करता है तो उसको पासवर्ड क्रिएट करने बोलेगा सर्वर, और उसके बाद जब वो सेकंड बारी ज्वाइन करेगा तो उसको पासवर्ड डाल के लॉगिन करने बोलेगा, और ये चीज हर बार रिपीट होगी, हर बार तुमको पासवर्ड डाल के ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्लगिंग की ओर। तो हमारी लिस्ट का जो थर्ड प्लगिंग आता है उसका नाम है सर्वर रीस्टार्ट वार्निंग। इस प्लगिंग से क्या होगा ना, तुम्हारे सर्वर के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनको पता चल जाएगा जब भी तुम सर्वर को रीस्टार्ट करोगे या फिर ऑफ करोगे, तो उन लोग चैट सेक्शन में ऐसे करके आ जाएगा कि भाई सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है या फिर सर्वर ऑफ हो रहा है। तो लोग अपना काम बीच में रोक सकते हैं या फिर उसको डिले कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्लगिंग की ओर। हमारे लिस्ट का जो फोर्थ प्रो प्लगिंग आता है उसका नाम है एनटीओपी। तो तुम लोगों को तो पता ही होगा पब्लिक एसएमबी के अंदर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि हैक वगैरह का यूज करके ऑपरेटर बन जाते हैं अपने सर्वर के, और उसके बाद उन लोग वहां पे तबाही मचा देते हैं। तो अगर तुम लोग को ऐसा चीज नहीं चाहिए अपने सर्वर के अंदर तो तुम लोग ये वाला प्लगिंग लगा लो एनटीओपी। इस प्लगिंग से क्या होगा कि तुम्हारे सर्वर में कोई भी हैकर नहीं आएगा, और अगर आ भी गया ना तो वो ऑपरेटर नहीं बन सकेगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्लगिंग की ओर। तो हमारे लिए इसका जो फिफ्थ और लास्ट प्रो प्लगिंग आता है उसका नाम है एडमिन जीयूआई। ये वाला प्लगिंग ना ओनर के काम का है। तुम लोगों को पता होगा पब्लिक एसएमपी के अंदर बंदों को संभालना रहता है, साथ ही साथ सर्वर को भी। तो तुम लोग के पास कुछ पावर्स तो होनी चाहिए ना जिससे तुम लोग संभाल सको, सारी चीज कमांड से तो हो नहीं पाएंगे। तो तुम लोग को एडमिन जीयूआई वाला प्लगिंग, तो ये वाला प्लगिंग तुम लोग को बहुत सारी पावर्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे प्लगिंग्स को लगाने के बाद तुम लोग का सर्वर किसी भी नॉर्मल पब्लिक एसएमपी से बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाने वाला है। तो चलो जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़ॉक्स लारा मिलेगा नेक्स्ट वीडियो।